सोलह साल हो गए उस फिल्म के साथ, पर जब भी स्टेज पर आती हूँ हमेशा हाथ पैर कांपते हैं। और कांपने भी चाहिए, इतने सारे लोग, इतने सारे सक्सेसफुल लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले ड्रीम प्रोग्राम के बारे में बात करूँगी। आप सब लोगों को ड्रीम प्रोग्राम समझ आ गया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? ओके, सीधे सारे शब्दों में कह दूंगी, इसका मतलब है ओरिफ्लेम ने आपको गोद ले लिया है। जी हाँ, आपके वो सपने जो आप पूरा करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, अगर आप गोल डायरेक्टर बनकर ड्रीम प्रोग्राम में आते हैं तो वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ओरिफ्लेम आपको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे उसने आपको गोद ले लिया है। आपको कार बोनस, आपको मकान खरीदना चाहते हैं मकान के लिए, आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी, आप अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं तो वो भी। तो अगर आप गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव है तो ड्रीम प्रोग्राम में जरूर आइए, क्योंकि उसके बाद आपकी बहुत सारी टेंशन तो वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि लीडर लव हो गॉड। अगर क्वालिफाइड इंक्लूड करवाते हैं तो एक्टिविटी रह जाती है, एक्टिविटी को फोकस करते हैं तो क्वालिफाइड इंक्लूड रह जाते हैं। तो ऐसी सारी दिक्कतों से अगर बचना है आपको तो ड्रीम प्रोग्राम आपके लिए एक परफेक्ट ट्रीटमेंट है। तो जितने भी गोल डायरेक्टर यहाँ पर बैठे हैं उनसे ज्यादा अब लोग बैठे हैं तो फटाफट ड्रीम प्रोग्राम में आ जाइए और अपनी टेंशन को खत्म कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, लेकिन विमेन पावर की आज सुबह से बात हो रही थी, उसके लिए मैं अगर बात नहीं करूंगी तो मेरे खुद की बहुत बड़ी जाति हो जाएगी। विमेन एम्पावरमेंट क्या है? विमेन एम्पावरमेंट क्या समझते हैं? विमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए, विमेन एम्पावरमेंट का सिर्फ सीधा साधा शब्द है, सीधा साधा सा एक ये है, ये नहीं। अगर आप देखें 99% जो भी प्रॉब्लम होती है ऐसे होती है, जब आपका हाथ ऐसे होता है। अपने ही बजा लिए ताली, मेरे लिए बिल्कुल भी मत बजाइए, क्योंकि हम सब विमेन आज यहाँ पर एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं जो हमें एम्पावर करती है अंदर से बाहर से हर तरह से। 16 साल हो चुके हैं ओरिफ्लेम के साथ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को। ओरिफ्लेम में आने के बाद आपको लोगों की कोटेशंस भी चेंज होनी स्टार्ट आती है ना, आपने फील किया? कितने लोगों ने फील किया? जब मैं ओरिफ्लेम में आई थी तो सबसे बड़ी कोटेशन क्या चेंज हुई थी मेरे घर में, मेरे हस्बैंड जो क्या करके क्या स्टार्ट कर लिया, तो मैंने इतना खराब शैम्पू है जिसमें झाग भी नहीं बनते, मेरे नाल से वो शैम्पू नहीं वो कंडीशनर है राइट। और आज वही है, अगर एक ही वॉशरूम में कंडीशनर लगा हो तो घर में आफत आ जाती है, कंडीशनर ही डाला इसमें नहीं ऑर्डर में। तो ऐसी कंडीशन आपको सुनने को मिलेगी। और आप ओरिफ्लेम में आएंगे जो लोग आपको कहते हैं अच्छा ओरिफ्लेम ओरिफ्लेम अरे तुम ये भी कर लो ना, तुम ये कर लो, जो ओरिफ्लेम ओरिफ्लेम है भाई, ओसामा और ओबामा एक जैसे कभी भी नहीं होते, सुनने में एक जैसे जरूर लगते हैं। अभी आपने उनके ज्वाइन किया घर में क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, अब ये देखो क्या काम करने लगी है, रोज पता नहीं कितने जान दिए थे 8 साल होंगे हो गया, सुनने को मिलती है तैयार हो जाइए क्योंकि आने वाले टाइम में वही चेंज हो जाएंगी, वही लोग जो आपको कहते हैं ना अभी कहा जाती है मेरा अच्छा अब आप एक काम करो लीड भी कर लो। सबसे खतरनाक है आपके बच्चे, जितने भी इंटरेस्ट यहाँ पर बैठे हैं ना, सबसे ज्यादा खतरनाक है आपके 12 साल के बच्चे, 12% ही 15% ही, वो ना बड़ों में ना वो छोटों में, तो सबसे खतरनाक वो है। वो जैसे ही 12% पे आएंगे या 15% पे आएंगे थोड़ा उड़ना स्टार्ट करेंगे, अब उनको लगता है अरे कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं ओरी गेम भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो जितने भी आपके मैनेजर बैठे हैं भाई अभी आपने उड़ना सीखा है ढंग से उड़ना सीख तो लो, उसके बाद सबसे खतरनाक होते हैं आपके 18% ही। 18 साल की उम्र से मुझे बड़ा डर लगता है सच में, वो बड़े होना ही नहीं चाहते, कौन इतनी टेंशन ले है ना। लेकिन असली मजा आया जब आप डायरेक्टर बनते हो, जब आप सीनियर मैनेजर बनते हो, एक बार आके तो देखो 22 साल के होकर तो देखो आपकी दुनिया बहुत ही खुश होने वाली है। हमेशा और असली असली में आपको अपनी पावर की जो महसूस
होती है वो ओरिफ्लेम में आती होती है, असली पावर जिसे कहते हैं ना। यस, सारी घसारा घर हमारे हिसाब से चलने लगता है। अरे चलेगा भाई, मेन अर्नर आप होते हो यहाँ पर। अगर आप स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? ओके, आप सब लोगों को ओरिफ्लेम जरूर करना चाहिए। हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही तो टाइम है जब आप एंजॉय करना चाहते हो, आप पार्टी में जाना चाहते हो, आप डांस करना चाहते हो, आप तैयार होना चाहते हो, तो आपको तो जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो आपके 25, 30, 35, 40 साल वाले हैं, उनको जरूर करना चाहिए ओरिफ्लेम। हो सकता है आपके बच्चे आपको तंग करते हो, टाइम ना, आपके पास टाइम नहीं है, सब कुछ, लेकिन आपको बहुत जरूर करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपके पास टाइम भी टाइम होगा। तो अगर आप थोड़े से हैक्टिक भी हो रहे हैं ना काम करके, कह रहे हैं मेरे घर में लोग गेस्ट आ जाते हैं, मुझे अपनी सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, मुझे तो बच्चों को करते रहिए, क्योंकि वो सब चीजें जो आप चाहते हैं ना, वो आपको ओरिफ्लेम मिल गई। उसके बाद उन लोगों को जो ओरिफ्लेम करना चाहिए जो हमारी उम्र में है, कुछ है ही नहीं खास ज्यादा करने की, तो हमारी उम्र में तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, सब चीज के बाद याद हो चुके हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर चुके हैं, अब ये तो हो रहा है आफ्टर 40 बिकम 40। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किस चीज को ओरिफ्लेम करना चाहिए सबको? एक ही एक चीज बताइए, वो आप कभी सोचो कि मैं 10 लोगों से बात करूं, 10 के 10 ज्वाइन कर ले, ऐसा सोचो ऐसा हो जाए, हो जाए कितने लोग सोचते हो जाए ऐसा। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, 10 के 10 लोग ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लिया, उनमें से 5-6 लोग बॉर्डर पे थे, लोग ऐसा उसी आरपीएफ में थे, 5-6 स्कूलों की टीचर्स थी, ऑफिस वाले थे, अब वो कह रहे वहां से फोन आ रहा है कि भाई आ जाओ यहाँ पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, वो कह रहे नहीं भाई हम तो ओरिफ्लेम की मीटिंग में जा रहे हैं, मेरा टारगेट है श्रीलंका का। कैसा हुआ? तो 10 में से 10 को ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बैलेंस बिगड़ जाए। ओरिफ्लेम में ज्वाइन वही करेंगे जो आपके जैसे होंगे, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। अच्छी होती है पर खाली ज्वाइन करने से कुछ नहीं मिलता, काम करना पड़ता है। अप्लाई ने आपको गोद ही ले लिया ना, आपकी अप्लाई ने आपसे शादी कर ली है, ध्यान रखना, जब मर्जी छोड़ देगी। डिवोर्स पेपर पहले लेके रखती है आपकी अप्लाई ने आपके लिए, एक दो बार तो फोन करती है, तीसरी बार फोन भी नहीं करेगी, ये तो बेकार है। तो आप में से कितने लोगों की अप्लाई ने उनको बार बार फोन करती है? तो अपनी अप्लाई के पास हाँ कर दीजिए, अब तक उसने आपसे डिवोर्स नहीं लिया।